सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से लगभग पूरा बॉलीवुड लोगों के निशाने पर आ गया है। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सेलिब्रिटीज़ को लगातार टारगेट किया जा रहा है। सुशांत केस में ड्रग एंगल भी निकल कर आया, जिसकी अब जांच जारी है। बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल की खूब आलोचना हो रही है। कंगना रनौत और रवि किशन जैसे स्टार्स ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस पर एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन ने हाल ही में राज्यसभा में कंगना रनौत और रवि किशन का नाम लिए बिना तीखा वार करते हुए कहा कि ये शर्मनाक है कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उन्होंने कहा था, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए परेशान किया जा रहा है। जिन लोगों को इंडस्ट्री ने नाम दिया वही इसे गटर कह रहे हैं। मैं इससे असहमत हूँ। सरकार को इन लोगों से कहना चाहिए कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। इस बयान पर टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी उनके सपोर्ट में आ गई, जिस कारण उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर दिया गया। यूजर्स ने काम्या पर दल बदलने का भी आरोप लगाया। जया बच्चन का सपोर्ट करते हुए काम्या पंजाबी ने ट्वीट किया, टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा होने के नाते मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत हम में से एक थे और हमें ये जानने का पूरा हक है कि आखिर 14 जून को क्या हुआ था। मेरा पक्ष एकदम क्लियर है, फिल्म इंडस्ट्री और उसके लोगों को गाली देना एकदम गलत है और मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। लोगों का फोकस एकदम शिफ्ट हो गया है और इस सर्कस का हिस्सा मैं नहीं बनने वाली। जया जी, आपको बहुत सारा प्यार। लेकिन कुछ लोगों को काम्या पंजाबी का ये स्टैंड रास नहीं आया और उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई। एक यूज़र ने लिखा, कोई भी जया बच्चन जी के खिलाफ नहीं है बल्कि उनके बयान के खिलाफ है जो उन्होंने दिया है। इसके बाद एक यूज़र ने जया बच्चन की पोती आराध्या बच्चन को टारगेट करने की कोशिश की और लिखा, चिंता मत करिए, आराध्या बच्चन भी बड़ी हो रही हैं। ये पढ़कर काम्या गुस्से से उबल गई और उन्होंने यूज़र को जवाब देते हुए लिखा, यही तो तुम हो, आपकी साइड लेकर कहो तो आप बहुत अच्छे, और अगर कुछ सच कहो तो किसी के बच्चों को भी बीच में लाने से पहले नहीं सोचते हो। मैंने ये पूरी लाइफ में झेला है। तुम जैसे लोगों के लिए मुझे और मेरी बेटी को ट्रोल करना मानो एक ट्रेंड सब बन गया हो। इसके बाद काम्या ने बात खत्म करते हुए ट्वीट किया, मैं रिया के खिलाफ हूँ और लोगों के भी खिलाफ हूँ जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को गटर बोल रहे हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो चुपचाप बैठकर तमाशा देखे, इसलिए मैंने वही कहा जो मैं कहना चाहती हूँ। और हाँ, अभी भी मैं सुशांत के लिए इंसाफ चाहती हूँ और हमेशा उस बात पर कायम रहूँगी। आप भी रहो। काम्या ने बाद में उन लोगों को जवाब दिया जो कह रहे थे कि काम्या कंफ्यूज हो गई और भटक रही हैं। काम्या ने इस जवाब में लिखा, आप सबको कंफ्यूज किया और घुमाया जा रहा है और आप सब घूम भी रहे हो। जिस बात के लिए एक हुए थे वो कहाँ है अब, सोचो इस बारे में। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।